सारा का सारा अचार बेचना पड़ेगा लक्ष्मी बहन. वो क्या है ना, डॉक्टर ने हंसू को नई दवाइयाँ लिख के दी है जो शुरू करनी पड़ेगी. मुझे कोई ऐसे बाजार में लेके चलो ना जहाँ ऐसे राशन का, तेल मसाले, फरसान, नाश्ता, वैसे सारी चीज़ों की बिक्री होती हो. हाँ, तो वहाँ मेरे अचार की भी बिक्री हो जाएगी ऐसी ही जगह पर. चलो अक्का, अब तुमको लेके चलेगा. अच्छा ठीक है. और हाँ, ये अचार को भरने के लिए मुझे शीशियाँ चाहिए, छोटी छोटी, अलग अलग साइज की. अब वो भी दिखाएगा, पहले एक बात पक्का करना. क्या? इसमें हमारा हिस्सा कितना रहेगा? एक बोतल पे 50 रुपया लक्ष्मी का. अच्छा. चलो, हम मजाक करता. मजाक करता है? So, Rohan, you are from Gujarat, the land of colors, right? Right. And Chinu, you are Bangalore girl. तो क्या क्या सीखा तुमने इसके कल्चर के बारे में? जी, बहुत कुछ सीखा आंटी. बहुत अच्छा गुजराती खाना बनाती है ये. इनफैक्ट कल ही कह रही थी ना कि पूजा रही आंटी आएगी तो अपने हाथों से बना के खिलाएगी. राइट राइट. ओह हाउ स्वीट. कितना प्यार है ना इन दोनों में. बहुत ज्यादा. काश हर कपल के बीच में ऐसा ही प्यार हो. थैंक यू. वेरी सॉरी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है. तो आई विल टेक योर लीव. ओके बाय. रोहन बेटा, वो आनंद नगर मैटर पे यानी अपडेट? जी, बात तो की है सेक्रेटरी से. अन्ना, एक बार इसको टेस्ट करके देखो. ऐसा अचार खाया नहीं होएगा तुम. ये है गुजरात स्पेशल अचार. बेंगलोर में क्या, पूरे कर्नाटक में ऐसा अचार? अरे एक बार सुनो तो सही, पूरे कर्नाटक में ऐसा अचार मिलेगा नहीं खाने को. एक बार टेस्ट करो. गुजरात स्पेशल? हाँ. नहीं अक्का, नहीं लेगा. क्यों नहीं लेगा? नहीं, गुजरात स्पेशल अक्का नहीं लेगा. समझाओ ना इसको. अच्छा, अक्का वो भी यही बोल रहा है, गुजराती अचार यहाँ कर्नाटक में कोई क्यों खाएगा? इसीलिए ये इसको अपने दुकान पे नहीं रखेगा. अरे एक मिनट. अरे मोटा भाई, मैं क्या बोल रही हूँ, ये गुजराती मराठी वो सब भूल जाओ. एक बार चखे तो देखो इसको. नहीं, तुम जाओ अक्का, होगी नहीं. तुम जाओ अक्का. हमको लगता तुमको कुछ अलग टाइप का अचार बनाना पड़ेगा यहाँ के टेस्ट के हिसाब से. अरे ये तो बेवकूफी वाली बात हो जाएगी ना. यहाँ के स्वाद वाला अचार तो सब बनाते होंगे, छोटे से छोटे घर में और बड़ी से बड़ी फैक्ट्री में भी. ये गुजराती स्पेशल अचार, गुजरात के टेस्ट वाला, किसी ने नहीं खाया होगा यहाँ. यहाँ के लोगों के लिए वो स्वाद बहुत ही मतलब अलग, अनोखा होगा. लेकिन कोई बेचने देगा और कोई खरीदेगा तब भी ना सबको समझ में आएगा. मैं क्या बोल रही हूँ? तुम ठीक कहता. पर अब वापस घर चलें अक्का? नहीं, घर कैसे जा सकती हूँ मैं? हंसू की दवाई के लिए पैसे जब तक वो नहीं कमा लेती तब तक नहीं जा सकती मैं. तो फिर तुमको कुछ और दुकानों पे जाके कोशिश करना पड़ेगा. हमको काम पे जाना है, वरना हम यहीं रुकता तुम्हारे साथ. नहीं, आप जाओ, काम है ना, काम पहले. जाओ लक्ष्मी बहन, मैं संभाल. जाओ. पक्का? हाँ हाँ. हेलो सर, ये सब क्या कर रहे हैं सर? सीधे तरीके से मान कर रहे थे वो लोग, अब समझाओ उनको. मैं आ रहा हूँ. ठीक है सर, आ जाइए सर. बिल्डर का ऑफिस से सर खुद इधर आ रहा है आप लोगों का आखिरी मौका देने के लिए. ऐसी माँ ने पैदा किया ऐसा राक्षस आदमी को कि कोई संस्कार तक से नहीं दिया है, इसे तो माँ बाप को भी शर्म आना चाहिए. ये बड़े लोगों का बच्चा ना बचपन में मार नहीं खाता, इसलिए पहले से ही पिटाई हुआ होता तो हम सब गरीब को उसको थोड़ा थोड़ा कीमत होता. जरा चक्कल तो दिखाना वो इंसान का जो चैतान वाला काम करता. ये देखो, दिखाओ अन्ना. दिखो, ये देखो, ये देखो. अरे बाप रे, कैसे काम करता. मासूम बच्चा. दिखाओ अन्ना. हम इसको छोड़ेगा नहीं. देखने में कितना भला, और देखो कैसा हम सब गरीब लोगों का लाइफ बर्बाद कर रहा है. इसका तो माँ बाप को भी शर्म आना चाहिए. देखो अम्मा,
क्या बात करनी थी तुम्हें मीनू? वो मैं वो क्या मतलब है? जस्ट से ना. ओके, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट. यू लाइक रोहन? ये क्या? See, I'm just saying कि मैंने तुझे और रोहन को आज डांस क्लास में नोटिस किया और मैं कुछ अज्यूम नहीं करना चाहती. That is why I wanted to confirm. So I asked. जिससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, चीनू तुम मुझे एक बात बताओ. जब तुमने मुझसे कहा था that you have moved on, तुम्हारी इस बात में कितनी सच्चाई थी? मीनू, मैंने तुझसे जो पूछा उस बात का इस बात से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है चीनू. इट्स सिंपल. अगर तुमने मुझे उस दिन सच कहा था कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो तो शायद आई बी ऑनेस्ट विथ यू. लेकिन अगर नहीं तो फिर शायद मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ेगा. मैंने जो तुझसे कहा था वो सच है. I've moved on. Fine. I like Rohan. और चीनू, अब जब तुम ये सब पीछे छोड़ के आ गई हो तो प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हर बार की तरह इस बार मेरे और मेरी खुशियों के बीच नहीं आओगी. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.